हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो फ्रेंड, आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज। सो आज है क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 3। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो ये तो श्योर है कि जुलाई में एग्जाम नहीं हुआ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, तो अभी जो मेजर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के साथ साथ वो कब होंगे, अगस्त में होंगे। तो यहाँ हमें एक महीना एक्स्ट्रा मिल गया है एग्जाम के लिए। सो अपनी चेक करिएगा कि अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता ही होगा जो एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है, हर बार पैटर्न इसमें से सेम सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब अगर आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, अटेम्प्ट करते से आपको पता लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं और कोशिश कीजिएगा कि 25 के 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अगर आपकी अच्छी तैयारी चल रही है और आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है स्पेशल बात इस मॉक टेस्ट की, इसमें 500 जो क्वेश्चन हैं, 5 सेट हैं, 500 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, सभी 500 के 500 क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है। तो आपको पूरा जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में जो भी डाउट होगा वो सभी में एक्सप्लेनेशन से आपका मे भी, ठीक है, कुछ हद तक वो डाउट जो है आपके सॉल्व उसी में हो जाएंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखोगे, चाहे इस टाइप क्वेश्चन उनकी जो जो पब्लिश जिन्होंने किया है कॉन्सेप्ट वो जुड़े हुए हैं, मतलब जो राइटर हैं उनके, या फिर जो इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे, या फिर डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, थ्योरी ऑफ बिग पुश, 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। तो चारों के चारों कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, आपको पता है कि एडम स्मिथ का ये कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। फिर उसके बाद बिग पुश, ठीक है, रोडान का ये कॉन्सेप्ट है बिग पुश का। फिर उसके बाद 5 स्टेज ऑफ ग्रोथ, रोस्टो, ठीक है, रोस्टो का मॉडल है। और उसके बाद रिजर्व आर्मी, कार्ल मार्क्स। सो ये आपको पता है, बस आगे आपकी थ्योरी खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। अब सबसे जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ को बोलते हैं, तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर इन दोनों में से एक बनना चाहिए। आपका जो भी आंसर बने उसको कमेंट करिएगा, लाइव जो कमेंट है वो ऑन ही रहेगा। सो डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ सबसे फर्स्ट रहेगा, ठीक है, तो दोनों में से आंसर निकल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी भी हम लोग क्लासिकल के टाइम में ही पढ़ते हैं, वो पुरानी थ्योरीज है, ठीक है, 1890 समथिंग की। तो कार्ल मार्क्स, सो उसके बाद डी, तो अगेन यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। सो 5 स्टेजेस इन रिजर्व आर्मी ऑफ, 5 स्टेजेस, और उसके बाद थ्योरी ऑफ बिग पुश, ठीक है। तो रोडान का जो कॉन्सेप्ट का 1943, और उसके बाद 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टो, रोस्टो का मॉडल तकरीबन 1960, ठीक है। तो हमारा जो क्रोनोलॉजी सेट हो गया वो क्या हुआ, ए डी, फिर उसके बाद बी एंड देन सी, ए डी बी सी। तो करेक्ट जो है वो हमारा सेकंड। आइए इसको थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट का। तो इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट जिसने दिया है उनके नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रोनोलॉजी, ठीक है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट भी पता है तो आप लोग इजिली आंसर दे दोगे, ठीक है। सो एडम स्मिथ आपको पता ही है कि जो मेन बुक है, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, यहीं से स्टार्ट होती है अपनी इकोनॉमिक्स। इससे पहले ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स नहीं थी, लेकिन इससे पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो सोशल स्टडीज के साथ या फिर एक जो पॉलिटिक्स है उसमें जोड़ के इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता था, मतलब सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका बिग पुश थ्योरी, रोडान का जो कॉन्सेप्ट है वो 1943, और उसके बाद जो नेक्स्ट रोस्टो का मॉडल है 1960, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इन 5 स्टेजेस को ना जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाइज कर लेना क्योंकि सीक्वेंस में बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर प्री कंडीशन ऑफ, प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ, डिराइव टू मेच्योरिटी एंड एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। हालांकि हर स्टेज के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट लिमिट है इसमें, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट भी याद कर लेना। वैसे पीजीटी लेवल पे वास्ट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ यूजीसी नेट पे थोड़ा सा अंदर जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद कार्ल मार्क्स, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, ठीक है, 1867 तक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिनी कोएफिशिएंट। तो गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंज कर्व, ये आपने पढ़ा होगा, सो इनइक्वालिटीज को मेजर करता है, राइट। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर वन, सो गिनी कोएफिशिएंट ओनली लुक्स एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ अमंग नेशंस रेजिडेंट्स। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसको फाइंड आउट करता है, या फिर उसको देखता है, या फिर उसको कैलकुलेट करता है, या फिर चेक करता है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसी को ये चेक करता है, या फिर जो इनक्वालिटी है उसको चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट है गिनी कोफिशियंट रेंज फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 ये भी सच है कि जीरो कोफिशियंट 0 से 1 तक वेरी करता है, ठीक है। विद 0 रिप्रेजेंट परफेक्ट इनक्वालिटी, जो 0 है वो परफेक्ट इनक्वालिटी बता रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है, जो 0 है वो परफेक्ट इक्वालिटी बताता है, ठीक है। तो गिनी कोएफिशिएंट नाम ही अपने आप में एक नेगेटिव है, गिनी कोएफिशिएंट मतलब जहां पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो। तो अगर 0 है इसका तो फिर वहां पे परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर 1 है गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू तो मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी तब, परफेक्ट, ठीक है, इनइक्वालिटी। तो ये वाली बात आप थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, ठीक। सो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है गलत है, तो हमारा जो फर्स्ट है ओनली बिल्कुल ठीक है। सो गिनी कोएफिशिएंट मेजर द स्टैटिकल डिस्पर्जन इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, बेसिकली क्या बताता है, इनइक्वालिटी मेजर करता है, ठीक है। सो गिनी कोएफिशिएंट 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर 1 है तो मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन हेरोड मॉडल ऑफ ग्रोथ, इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट इज मोर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है। तो आपको पता होगा अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट है, एक्चुअल ग्रोथ रेट डिनोट करता है जी से, इज मोर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, देन इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उसके बाद स्टेगफ्लेशन या फिर डिस इन्फ्लेशन, क्या क्रिएट करेगा, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है तो वारंटेड ग्रोथ रेट से, और वारंटेड ग्रोथ रेट को ही फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी बोलते हैं, ये भी कई बार आ जाता है, फुल कैपेसिटी, ठीक है, याद रखिएगा फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट, ठीक। सो अगर यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है, मतलब जो एक्चुअल आउटपुट का ग्रोथ है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। वारंटेड ग्रोथ है फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट, फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट से भी ज्यादा ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ रेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर ग्रोथ रेट ज्यादा होगा इनकम का तो इन्फ्लेशन ही आएगा, ठीक है, तो आएगा इन्फ्लेशन। और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही हो सकता है, इफ वैल्यू ऑफ जी इज 12 एंड वैल्यू ऑफ जी डब्ल्यू इज 20 देन इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा कमेंट करिएगा, अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट 12, वारंटेड ग्रोथ रेट 20 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन से करेक्टली मैच नहीं कर रहे हैं। तो थ्योरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो कुछ ही थ्योरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है और वही बार बार पूछता है, जैसे बिग पुश थ्योरी किसने दी है, पॉल रोसेंटियन, रोडान, ठीक है, वैसे हम लोग इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं रोडान। तो यहाँ पे रोडान का जो कॉन्सेप्ट है बहुत बार यूज होता है और डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, बिग पुश थ्योरी और इंडिविजिबिलिटीज किसने दिए हैं, तो ये चीजें, उसके बाद ये करेक्ट है। उसके बाद बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी नक्शे की थ्योरी है, और नक्शे के साथ साथ और भी प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, वो भी देख लीजिएगा, है ना। सो उसके बाद है डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, हिर्चमैन बोला गया, गलत है सही है ये बताइएगा। क्रिटिकल मिनिमम स्ट्रेटजी, हार्वी लाइनस्टाइन, ये भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है हिर्चमैन, हिर्चमैन का जो है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है। सो ये वाला जो डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसका है कॉन्सेप्ट, अगर याद है तो फटाफट लाइव चैट में कमेंट करेंगे कि हिर्चमैन अगर नहीं है तो किसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, करेक्ट, लुईस का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। चलिए तो यहाँ पे थर्ड वन जो है करेक्ट है, जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिमांड साइड वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, और जो वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, जो गरीबी का दुष्चक्र है, इसमें दो चीजें बनती हैं, एक बनता है डिमांड साइड से और एक बनता है आपका सप्लाई साइड से, ठीक है। तो डिमांड साइड और सप्लाई दोनों ही सेम सेम से लगते हैं। अब इसमें क्या आंसर है पहले वो कमेंट करिएगा, फिर हम बताते हैं कि कैसे फाइंड आउट करोगे कौन सा डिमांड साइड से है और कौन सा सप्लाई साइड से है, ठीक
ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं डिमांड साइड, ठीक है, डिमांड साइड। तो जब आपका, जब लो इनकम है, जब आपकी इकोनॉमी में लो इनकम है, अगर लो इनकम आपके फर्स्ट इम्पैक्ट आपके डिमांड पे करेगी, अगर आपकी इनकम लो है और इसका फर्स्ट इम्पैक्ट डिमांड पे पड़ेगा, ठीक है, और डिमांड आपकी बिल्कुल नीचे जाएगी, तो वो वाला केस आपका टोटली बन जाएगा डिमांड साइड विशेष सर्कल। ठीक है, फिर आगे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लो डिमांड है, देखो इसमें देखो, लो डिमांड, लो सेविंग, लो इनकम, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम। तो लो इनकम से हमने शुरू करना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, लो डिमांड जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, वैसे तो ये सर्कल बन जाता है पूरा, ठीक। सो लो इनकम और लो डिमांड, अगर लो इनकम के बाद लो सेविंग आ रहा है तो वो टोटली सप्लाई साइड चला जाएगा, ठीक है, और अगर लो इनकम के साथ लो डिमांड आ रहा है तो वो डिमांड साइड में ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है ये वाला करेक्ट बन रहा है, लो इनकम, फोर्थ वन। लो इनकम से क्या होगा, लो डिमांड होगी, अगर डिमांड ही कम होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट, मतलब इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट, प्रेरित कम मिलेगी उसको इन्वेस्ट करने की, और कैपिटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंट कैपिटल होगा तो उसके बाद आपको पता है प्रोडक्टिविटी लो होगी, और प्रोडक्टिविटी लो होने से अगेन इनकम लो हो जाएगी, ठीक है। तो इन चक को आप जो विशेष सर्कल है इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यहां से आपको पता लग जाएगा डिमांड साइड, यहां से इनकम, लो इनकम है लो डिमांड रहेगी, लो डिमांड है लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लो डेफिशिएंसी, फिर लो प्रोडक्टिविटी एंड चलता रहेगा। और अगर सप्लाई साइड है तो सप्लाई साइड आपका लो इनकम का फर्स्ट इम्पैक्ट सेविंग पे पड़ेगा, ठीक है, तो इसका फर्स्ट इम्पैक्ट सेविंग पे पड़ेगा ना कि डिमांड पे, ठीक है, लो सेविंग रहेगी, लो इन्वेस्टमेंट, लो कैपिटल डेफिशिएंसी और लो प्रोडक्टिविटी, बाकी सेम, कुछ भी फर्क नहीं है, बस इन दोनों चीजों का फर्क रखना, डिमांड साइड से लो डिमांड, सप्लाई साइड से लो सेविंग, ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर इंट्रोड्यूस्ड। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी, चार जो इंडिकेटर्स हैं, इंडेक्स हैं, वो दिए गए हैं, अब उनमें से जो क्रोनोलॉजी सेट होती है पहले उसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो क्रोनोलॉजिकल जब भी क्वेश्चन आते हैं कोई, जो पहले आपको आता है ना, पहले उसको उसको पहले उसकी डेट लिखो, तो ये इजिली आपको जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो ऑप्शन है वो माइंड में इजिली आपके स्ट्राइक कर जाएगा। जैसे आपको HDI पता है, ठीक है, 1990 में आया था HDI, ये पता है। PQLI पता है कि 1979 में आया था, ठीक है, अब आपकी क्रोनोलॉजी यहाँ से बन जाएगी, ठीक। चलिए उसके बाद और आगे चल लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, 2010, और इसका जो पुराना रूप है वो भी कई बार आ जाता है, PGT में भी इंपॉर्टेंट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी करते हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो MPI का पुराना नाम क्या था अगर आपको याद हो, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का पुराना नाम क्या था, ठीक। चलिए उसका स्पेशल डेवलपमेंट गोल्स, वो स्पेशल डेवलपमेंट गोल 2016 17 जो न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको सेट करते हैं क्रोनोलॉजी, सबसे पहले सी आ गया, ठीक है, उसके बाद डी, तो हमारे पास ये सेट हो रहा है सी डी, और उसके बाद बी, और उसके बाद ए, ठीक है। सो MPI का पुराना नाम क्या था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, 1997। चलिए आगे चलते, सो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप क्या करिए PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी नेट 2020 का ये क्वेश्चन है, सो हेरोडोमोर कंसिडर अ फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन विच द ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन। तो ये कह रहा है कि हेरोडोमोर के अकॉर्डिंग ग्रोथ ऑफ GDP डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, HD मॉडल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो यहाँ से स्वाभाविक है, आएंगे ही आएंगे। सो GDP डायरेक्ट ऑन नेशनल नेट सेविंग रेट, ठीक है, मतलब आपका GDP डिपेंड कर रहा है सेविंग रेट पे। दूसरा कह रहा है इन्वर्सली ऑन नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशियो। तीसरा डायरेक्टली ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इन्वर्सली ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ। एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसकी तो बातें करता ही नहीं है वैसे हेरोडोमर, जो मेन बात करता है कि नेशनल इनकम जो डायरेक्टली आपका जुड़ा हुआ है, ये GDP जुड़ा हुआ है, वह सेविंग रेट से, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है इन्वर्सली जुड़ा होता है नेशनल जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है उससे, इन्वर्सली जुड़ा होता है। अब कैसे, जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है आपका इससे जो इन्वर्सली जुड़ा होता है, चाहे हम इसको के अपॉन क्यू डिनोट करें या के अपॉन वाई डिनोट करें। अब इसका मतलब ये है कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है आपको आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए कि आपको दो कैपिटल प्रोड्यूस करने के लिए, दो कैपिटल यूज करना पड़ रहा है एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए,
तो यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना हो गया, 2। और अगर मैं एक ही कैपिटल यूज करता हूँ एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारा कितना है, हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है 1। तो जितना ये लोअर जाएगा, जितना कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है, जितना लोअर जाएगा उतना इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। मतलब हमको कम लेबर यूज करना पड़ रहा है ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इन्वर्सली रिलेटेड है कैपिटल आउटपुट रेशियो से, तो ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए थोड़ा और भी आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। लेवल ऑफ सेविंग, हायर सेविंग होगी तो हायर इन्वेस्टमेंट होगा, हायर इन्वेस्टमेंट होगा तो जीडीपी भी बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन होगा। दूसरा है कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट इज मोर एफिशिएंट एंड द ग्रोथ रेट विल बी हायर। तो जितना ये कम होगा, लोअर जितना होगा, उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट एफिशिएंट होगा और इकोनॉमी ग्रो करेगा। चलिए तो थोड़ा सा और डिटेल में है, इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ इकोनॉमिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ व्हेन दे प्रपोज्ड देयर थ्योरीज। अगेन ग्रोथ की थ्योरीज है, थ्योरीज के बिना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सभी इसमें आपको मिलेंगी 50 से 60% थ्योरीज, ठीक। अगेन क्रोनोलॉजिकल पूछ रहा हैरोड, शुम्पीटर, रोस्टो एंड सोलो, ठीक। तो जो सोलो एंड स्वान का मॉडल है ना न्यू क्लासिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अजम्पशंस पूछ लेता है, ठीक है, न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल्स के। चलिए तो हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ। आपका जो राइट कमेंट बनेगा वो, उसको राइट आंसर बनेगा उसको कमेंट कर लेना। हैरोड का जो टाइमिंग है रफली हम लोग मानते हैं 1939, ठीक है, और डोमर का 1943 समथिंग, और शुम्पीटर की जो थ्योरी आई थी इनोवेशन की, जो ग्रोथ की थ्योरी थी 1911, ठीक है। रोस्टो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया था 1960, और सोलो 1956, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट सीक्वेंस है, और जो आंसर कीज है उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका जो रोस्टो और सोलो है इन दोनों को आगे पीछे कर दिया था वहां पे। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पुरानी जो थ्योरी है शुम्पीटर, ठीक है, तो यहाँ पे बी, और उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है 1939 हेरोड ए, और उसके बाद डी एंड सी, ठीक है। तो हमारी जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट, तो इसको सेकंड कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट इज बी ए, डी एंड सी। चलिए तो इनका थोड़ा डिटेल भी दिया हुआ है, इनकी जो ईयर्स हैं 1911 शुम्पीटर, उसके बाद हेरोड का मॉडल 1939, उसके बाद सोलो का मॉडल जो है 1956, और रोस्टो 1960। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ अ प्रोडक्शन फंक्शन एडमिट्स बोथ हेरोड एंड हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी, ठीक है, हेरोड और हिक्स का न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। अब आपको पता होगा एचडी मॉडल और हिक्स न्यूट्रल जो डिपेंड करते हैं आपके कौन से प्रोडक्शन फंक्शन पे, ठीक है, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, अगर आपको इतना ही पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंफिनिटी 1, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2, या फिर इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। देखो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो राइट आंसर क्या होगा, इक्वल टू 1, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका इक्वल टू 1 रहता है, तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1, इसका मतलब है इन्वेंशन विच रेजेस द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो, ठीक है, या फिर सेम प्रोपोर्शन में राइज हो, तो ये वाला जो है हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए जुलाई 2018 का ये क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर पब्लिकेशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सो जितने भी ये फोर बुक्स हैं, आई होप कि जितने फोर बुक्स हैं उनके राइटर भी आपको याद हो, ठीक है। तो सबसे पहले एफ्लुएंट सोसाइटी किसकी है, गैलब्रेथ की बुक। एशियन ड्रामा, बहुत ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछ चुका है, जब पेपर 2 होता था पहले, पेपर 2 में डायरेक्ट पूछ लेता था कि एशियन ड्रामा रिटन बाय हु, ठीक
ठीक है, गोल्डन मेडल बिल्कुल ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी, ये तो बेसिक थ्योरी है, सबको पता है ना, पीएनजी की थ्योरी है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड फ्रीडम, फ्रीडम ये भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आ चुका है, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम इसकी बुक, ठीक है, अमृत्य सेन की बुक। अब देखते हैं ईयर्स, एफ्लुएंट सोसाइटी 1958, उसके बाद एशियन ड्रामा, अगर आपको ईयर्स याद है तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा। एशियन ड्रामा ठीक है 1968, उसके बाद जनरल थ्योरी तो हमें पता है 1936, और फ्रीडम एज डेवलपमेंट जो जिस टाइम पीरियड में नोबेल प्राइज मिला था लगभग वही टाइम पीरियड है 1999, ठीक है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमृता सेन। चलिए क्रोनोलॉजी सेट करते हैं अभी। सबसे पुरानी है जनरल थ्योरी, ठीक है, केज की 1936 सी, और उसके बाद है नेक्स्ट थ्योरी 1958 एफ्लुएंस वैरायटी दैट इज ए, उसके बाद एशियन ड्रामा एंड उसके बाद डेवलपमेंट एज फ्रीडम। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे और भी डिटेल दिए हुए हैं, इनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन अ हेरोडियन इकोनॉमी ICOR मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 4.5:1, मतलब 4.5/1, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज 2 पर एनम, एंड इन्वेस्टमेंट रेट इज 27, हेंस द एनुअल ग्रोथ रेट पर कैपिटा विल बी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है तो बेसिक है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ इस टाइप का, ठीक है। तो क्या आंसर है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आंसर निकल आएगा। तो जो इसमें ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट है, उसका जो फॉर्मूला है, ग्रोथ रेट ऑफ GDP पर कैपिटा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ही अगर आपको याद है तो आंसर बिल्कुल इजिली आ जाएगा। तो APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अपॉन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो माइनस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है बेसिक। अब आपको सबसे पहले APS देखना है, तो यहाँ पे इकोनॉमी में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होता है, ठीक है। अगर APS नहीं दिया होगा आपको, इन्वेस्टमेंट दिया होगा तो इन्वेस्टमेंट इज गिवन, इन्वेस्टमेंट रेट कितना है 27%, तो 27% सेविंग रेट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4.5/1, ठीक है, माइनस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितना है 2%। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 27 / 4.5, ठीक है, तो यहाँ पे 270 अज्यूम कर लेते हैं, ये 45 हो गया, तो 45 का टेबल 270 में कितनी बार जाता है, 6 टाइम, 270, तो ये कितना बन गया 6, ठीक है, तो ये हो गया 6 - 2 = 4, तो जो 4% है यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, दैट इज 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट अज्यूम ड्यूअलिज्म इन द इकोनॉमी। ड्यूअलिज्म को कौन कौन सपोर्ट करता है, ड्यूअलिज्म होता है जब आप दो सेक्टरों की बात करते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ठीक है, दो चीजों की, या फिर ड्यूअल सेक्टर दोनों सेक्टरों की, ठीक। यूजीसी ने 2020 दैट इज 2016 में ये पूछा गया है पेपर 2 में। सो रेनिसन फी मॉडल, रिकार्डो मॉडल, रॉबर्ट सोलो मॉडल और हेरोड मॉडल। आपको पता है कि जो रेनिसन फी मॉडल है आपका, यही मॉडल बेस्ड है आपका लुइस के ऊपर, ठीक है, लुइस भी 2 सेक्टर और रेनिसन फी ये वाला मॉडल भी 2 सेक्टर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट हो गया हमारा करेक्ट, तो इसमें दूसरा रिकार्डो, रॉबर्ट सोलो एंड हेरोड, ठीक है, राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सो जो डी, जो आपका डी रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो है, ये भी ड्यूलिज्म को सपोर्ट करता है, दो चीजों की बात करता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, ये भी करेक्ट है। बल्कि रॉबर्ट सोलो और हेरोड ये ड्यूअल इकोनॉमी की बात नहीं करते, ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना फर्स्ट एंड सेकंड में ही है। चलिए तो डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, थोड़ा और भी इसको डिटेल में देख लो। तो पी रेनिस का जो मॉडल है, यहाँ पे एक्सटेंशन मॉडल है लुइस मॉडल का, ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल, और उसके बाद रिकार्डो का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी 2 सेक्टर इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ की प्रॉपर्टी ऑफ ए के मॉडल इज, तो ए के मॉडल का जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, और ये जो मेन प्रॉपर्टी पूछता है ए के मॉडल की, अजम्पशन, सिर्फ एक ही यहाँ पे अजम्पशन पूछता है बार बार, ठीक है, तो कौन सी वो अजम्पशन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपने एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, एंडोजीनियस मतलब जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने खुद के स्किल्स के ऊपर, एक्सपर्टाइज के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, ठीक है, सो उससे क्या होता है, अब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ठीक है, जो
डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो नहीं मिलते, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक, तो ये वाला करेक्ट है अजम्पशंस, और ये वाली अजम्पशन यहाँ से बहुत बार पूछी गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एडमंड फेल्ट्स गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन पर कैपिटा कंजम्पशन इज मैक्सिमाइज्ड बाय विच सेक्टर। सो गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा कंजम्पशन एंड, अगर आपको इतना ही पता है तो क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एंड इसके बीच का रिलेशन है, अभी बन जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें पर कैपिटा इनकम एंड इसके बीच का रिलेशन है सेविंग। ठीक, सो जो करेक्ट आंसर है सेविंग है, फिर भी हम लोग एक बार इसमें डायग्राम से इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन, यहाँ पे ये वाला जो पीक पॉइंट है, इसमें क्या होता है आपका सेविंग रेट और कंजप्शन पर वर्कर, मतलब पर कैपिटा कंजप्शन बिल्कुल हो जाता है बराबर। ठीक, मैक्सिमाइज स्टेडी स्टेट ऑफ कंजप्शन पर वर्कर, और उसको बोलते हैं गोल्डन रूल लेवल ऑफ कैपिटल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग वेरिएबल आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया, HDI। तो HDI पूछेगा या फिर HDI नहीं पूछेगा तो PQLI तो पूछेगा ये क्वेश्चन। अगर PQI से नहीं पूछेगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, पूछना घुमा फिरा के जरूरी है। ठीक है, तो HDI में से कौन सा कंपोनेंट बेसिकली नहीं है ये पूछ रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रियल GDP पर कैपिटा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मॉर्बिडिटी या इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, अभी इनमें से दोनों में से कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है ये देख लो। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है तो उसको पॉज कर लेना, है ना। सो मॉर्बिडिटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कंपोनेंट, और इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो है PQLI का वेरिएबल है, लेकिन HDI में वो यूज नहीं होता। ठीक है, तो HDI में तीसरा वेरिएबल कौन सा यूज होता है, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, कमेंट करेंगे। ठीक है, ए और बी यहाँ पे का आंसर करेक्ट है। करेक्ट, जो मिसिंग है वो क्या है, एजुकेशन। ठीक है, मतलब लिटरेसी रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज इट ट्रू फॉर न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल। अब न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, या फिर न्यू क्लासिकल बोलेगा या फिर वो नाम लेके बोलेगा। ठीक है, ये सोलो का मॉडल या फिर स्वान का मॉडल, रोस्टो का मॉडल, या फिर नाम लेके बोलेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, इसमें कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, प्रॉफिट आर फ्लेक्सिबल है बोलते हैं। ठीक है, अजम्पशन है उनकी एक। नेक्स्ट है कैपिटल इज हेट्रोजीनियस। तो कैपिटल इज हेट्रोजीनियस जो है ये भी एक अजम्पशन उनकी नहीं है। ठीक है, अजम्पशन नहीं है। और अजम्पशंस आपने सोलो का मॉडल पढ़ा होगा, उसमें वो क्या कहता है, जो कैपिटल है टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एक्सोजीनियस गिवन है। ठीक है, थर्ड वेरिएबल एक्सोजीनियसली गिवन ये मानते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्रिवेल्स, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, लॉन्ग रन में इकोनॉमी ऑपरेट होती है ये मानते हैं। उसके बाद कैपिटल एंड लेबर परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं, डिवाइडेबल, एक दूसरे में डिवाइड हम लोग कर सकते हैं उनको, या फिर एक दूसरे के यूज कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फोर्थ वन बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, सो सी इज करेक्ट। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है, इसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगेन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज एज पर देयर HDI रैंक इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ 2020 UNDP रिपोर्ट। सो HDI की या तो कंपोनेंट पूछेगा या फिर पूछ लेगा जो करेंट जो कंट्रीज है ना, नियर अबाउट, जो जितने भी नियर कंट्रीज हैं उनकी एक बार HDI रैंकिंग देख लीजिएगा। ठीक है, सो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर जो रैंकिंग की बात करें, पाकिस्तान की जो रैंकिंग है 154, और 2020 की, अभी तक 2021 की पब्लिश नहीं हुई है। ठीक है, चाइना की जो रैंकिंग है 85 समथिंग, इंडिया की 131 है, और मालदीव्स की 95 HDI रैंकिंग। चलिए तो सेट कर लीजिएगा रैंकिंग, और इनको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, अगर याद नहीं होती तो एक कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, पाकिस्तान तो सबसे पहले देखें, पाकिस्तान सबसे लास्ट में है। सो पाकिस्तान जो है सबसे लास्ट है, मतलब फर्स्ट ये आना चाहिए आंसर। सबसे फर्स्ट कौन है, चाइना है। ठीक है, टू यहाँ से आंसर बन रहा है, फिर उसके बाद फोर, एंड देन उसके बाद थ्री, एंड देन उसके बाद पाकिस्तान। ठीक है, वन, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए, तो एच डी आई वैल्यू कई बार यही पूछ लेता है कि वैल्यू कितनी है, तो 0.645। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विद विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ड्यूलिज्म इज एच मेंट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद। ठीक है, कौन सी ड्यूलिज्म की थ्योरी दी है एच मेंट ने। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे ना वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके डायरेक्टली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एच मेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियली, दैट इज फाइनेंशियल ड्यूअलिज्म से। और ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म से कौन है फिर, ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म से कौन है, ठीक है, और सोशल ड्यूअलिज्म से कौन है, टेक्नोलॉजिकल से कौन है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, हिगिंस का जो कॉन्सेप्ट है जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजिकल से, ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म जो है इसमें गुनर मेडल का कॉन्सेप्ट और सोशल बॉयक का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूज होता है सोशल ड्यूलिज्म। तो ड्यूलिज्म से इनके नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफिकल ड्यूलिज्म मतलब ज्योग्राफी में आपका दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं, टेक्नोलॉजी को दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं, और यहाँ सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं। चलिए, तो और भी जो कॉन्सेप्ट है इनको डाउनलोड करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग, हिर्शमैन, नेल्सन, सोलो, काल्डोर। कोई भी ऐसा प्रोफेसर नहीं है जो बिल्कुल अननोन हो। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो बिल्कुल नॉन है। ठीक है, हिर्शमैन का कॉन्सेप्ट अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी और लिंकेजेस इफेक्ट भी अनबैलेंस ग्रोथ से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस। नेल्सन का मॉडल लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है, उसके बाद सोलो का मॉडल न्यू क्लासिकल मॉडल, और उसके बाद काल्डोर कैम्ब्रिज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए आगे देखते हैं, फर्स्ट का सेकेंड, फिर फन सेकेंड, फिर वन, फिर फोर एंड फिर थ्री। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन दिसंबर 2015 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप गलती से मिस मत करिएगा, क्योंकि जब आपका जेआरएफ रहेगा या फिर नेट रहेगा तो एक एक नंबर वहां पे, ठीक है, वैल्यू क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के गलत होंगे तो काफी ज्यादा हर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, अभी पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस कॉन्सेप्ट हिर्शमैन का कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी से। टर्नपिक थ्योरम वॉन न्यूमन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जुड़ा हुआ है आपका किससे, करेक्ट, कार्ल मार्क्स से। और ए के प्रोडक्शन फंक्शन एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है, अभी हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था। ठीक, तो फर्स्ट का है सेकंड, सेकंड का है वन, फर्स्ट का है सेकंड, सेकंड का है वन, तो हमारा ये, फिर ये थर्ड और फिर फोर्थ, फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगेन कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। ठीक, तो गोल्डन एज जो कॉन्सेप्ट है मिसेस जॉन रॉबिन्सन, उसके बाद गोल्डन एक्युमुलेशन फेल, स्टेडी ग्रोथ रेट सोलो एंड एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल माल्थस, इसका कॉन्सेप्ट मैच नहीं करता। ठीक, सो जो कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा है वो है एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। ठीक है, माल्थस का नहीं है, माल्थस की एक ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल कैपिटल अक्यूमुलेशन डिपेंड्स अपॉन, जो कैपिटल का अक्यूमुलेशन हो रहा है, जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, स्पेशली किस चीज पे वो डिपेंड कर रही है, क्या सेविंग इनकम रेशियो, प्रॉफिट वेज रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट वेज रेशियो एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ा होगा गोल्डन रूल, ठीक है, या फिर गोल्डन एज, जो गोल्डन एज है उसके कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दो चीजें इक्वलाइज होती हैं, अगर उतना ही आता है तो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी ग्रोथ रेट, एक ग्रोथ रेट ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये किया होगा आपने, दोनों बराबर होते हैं, तो जो ग्रोथ रेट ऑफ लेबर है ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और जो कैपिटल का ग्रोथ रेट है, ठीक है, प्रॉफिट, ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड वेज रिलेशन एंड जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो कैपिटल को अक्यूमुलेट करती है मिसेस जॉन रॉबिसन के ग्रोथ मॉडल में। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वॉज प्रोपाउंडेड बाय, सो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू आपने बहुत बार सुना होगा। सो लेबर थ्योरी जितने भी क्लासिकल थ्योरीज हैं वो मोस्ट ऑफ द थ्योरीज डिपेंड करती हैं आपके लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कौन क्रिएट कर रहा है, लेबर, क्योंकि उस समय में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता था मेनली लेबर ही होता था, तो लेबर ही डिसाइड करेगा कि उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, सो वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है, लेबर। चलिए तो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू एडम स्मिथ, ठीक है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के ऊपर बेस्ड थी थ्योरीज, डेविड रिकार्डो की थ्योरी बेस्ड थी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेकिन जो बाद में आई थे नक्स से, गुरर मेडल, सोलो, इन्होंने दो दो तीन तीन फैक्टर यूज किए थे प्रोडक्शन के, और माना था कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू लेबर ही नहीं है जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जो प्रोडक्शन की वैल्यू को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो और कार्ल मार्क्स, ये भी इनकी थ्योरी भी डिपेंड थी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे। सो ए डी, दैट इज ए बी और डी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन्वेंटर्स ऑफ एचडीआईआर, एचडीआई जो मॉडल है वो किस किस ने इन्वेंट किया है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो महमूदुल हक का नाम तो आता ही है, मेन फाउंडर है, उसके बाद जो नेम जुड़ता है अमृत्या सेन का नाम भी जुड़ता ही है, ठीक है, ये तो है ही है, उसके बाद रॉबर्ट सोलो, रॉबर्ट सोलो का नाम नहीं जुड़ता, मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई का नाम बिल्कुल जुड़ता है, और सुधीर आनंद, ठीक है, ये भी नाम जुड़ा हुआ है एचडीआई से। तो फर्स्ट थ्री एंड फोर्थ, तो फर्स्ट थ्री एंड फोर्थ, जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो इसमें जो मेन डेवलपमेंट ओरिजिनली डेवलपमेंट किया था वो महमूदुल हक ने किया था, उसके बाद और इकोनॉमिस्ट हैं ये वाले, ये जो जुड़े हुए हैं आपके, ठीक, एचडीआई से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट वाज नॉट एसोसिएटेड विद डिपेंडेंसी थ्योरी। तो एक बार ऐसा हो गया था कि 2015, 16, 17, 3 साल लगातार ये क्वेश्चन आया था डिपेंडेंसी थ्योरी से, कौन जुड़ा हुआ है, कौन नहीं जुड़ा हुआ है डिपेंडेंसी थ्योरी, है क्या डिपेंडेंसी थ्योरी, यूडीसीज में अप्लाई होती है या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें होती है। ठीक है, तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है या अनडेवलप्ड कंट्रीज है उनमें डिपेंडेंसी थ्योरी अप्लाई होती है, क्योंकि ये जो यूडीसीज हैं ये डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट में जो जुड़े हुए नहीं है वो है गुनर मेडल, ठीक है, बाकी तीनों इकोनॉमिस्ट रॉल प्रेविश, सेंटर्स एंड एंड्रू गुनर फ्रैंक जुड़े हुए हैं। ठीक, तो फोर ऑप्शन इसमें फोर्थ करेक्ट है। चलिए तो टोटल जो आज का सेशन था 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे। हाँ, पुराने एमसीक्यूज ना बहुत ज्यादा थे, क्योंकि आपको घुमा फिरा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यही क्वेश्चन आने हैं घुमा फिरा के, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस होने वाले हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी सब कुछ क्वेश्चन आपको सेम सेम पैटर्न में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, मतलब क्विक रिविजन सीरीज पार्ट 4 में। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।